आज आपको लाओत्से बताएंगे हिडन पावर के बारे में। आपकी हिडन पावर क्या है? हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिनेशन में हिडन चीज़ें नहीं आती हैं। वो डिमांड करती हैं कि हम उसके साथ कुछ काम करें। ज़मीन के ऊपर पानी नहीं होता, बहुत खोदने के बाद आप कुएं में से पानी निकालते हैं। वो कौन सी सीक्रेट चीज़ है जो अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके अंदर में साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल या सभी तरह की पावर इकट्ठी होती जाती है। तो लाओत्से क्या कहते हैं? लाओत्से कहते हैं कि थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक आदमी घुड़सवारी कर रहा है, घोड़े को राइड कर रहा है। खैर, अब तो घोड़े को राइड करते नहीं हैं, लेकिन अब हम लोग हवाई जहाज़ चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। बट इन केस अगर हम ये सभी व्हीकल्स को देखें तो राइड करने वाला ताकतवर दिखाई देता है या राइड होने वाला? अगर एक घोड़े को एक घुड़सवार अगर सवारी कर रहा है तो देखने में ताकतवर कौन है? घोड़ा ज़्यादा ताकतवर है कि वो आदमी जो उसके ऊपर राइड कर रहा है? तो इसी से आपको अपनी सीक्रेट को खोजने का एक एक जरिया मिलेगा। इसलिए लाओत्से बड़ी कमाल की चीज़ बोलते हैं, सॉफ्ट हमेशा ओवर राइड करता है हार्ड के ऊपर। हमको दिखता नहीं है, एक बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, एक पत्थर दिखाई देता है, लेकिन उसको काट देता है कौन? पानी, जो एकदम सॉफ्ट होता है। मोटे से मोटा पत्थर बेचारा मजबूर हो जाता है पानी की सिंप्लिसिटी में। बिजली इतनी ताकतवर होती है, लोहा किसी भी तरह का मेटल इतना ताकतवर होता है कि उसको मोड़ना तोड़ना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल चीज़ है। लेकिन उसमें से एक ऐसी चीज़ ट्रैवल कर जाती है जो दिखती भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉफ्ट हार्ड को ओवर राइड करती है, सवारी करती है। इसलिए हमको लाओत्से याद दिलाते हैं कि ताओ एक सॉफ्ट एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जो ना आँखों को दिख सकता है, ना कानों को सुनाई दे सकता है, ना ही तो हमारे जुबान, हमारे पांचों इंद्रियों के सेंसिटिविटी के बियॉन्ड है ताओ। लेकिन जैसे हवा हर कोने में घुस जाता है, पानी मोटे से मोटे पत्थर को भी तोड़ सकता है, बड़े से बड़े क्रैक के अंदर घुस सकता है, छोटे से छोटे सुराख के अंदर घुस सकता है, बिजली किसी भी तरह के तार के अंदर घुस करके ट्रैवल कर सकती है, ऐसे ही ताओ हर जगह पर घुस सकती है। तो जो आदमी सॉफ्ट की, दिखने वाले कमज़ोर की ताकत को नहीं पहचानता, वो अपनी रियल हिडन ताकत को नहीं पहचान पाएगा। जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी काबिलियत लगाते हैं, कुछ न कुछ रिजल्ट तो पाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट रिजल्ट कभी नहीं दिखाई देता। हमेशा ऐसा लगता है कि जो मेहनत की है उसका वो सिला नहीं मिला, वो सक्सेस नहीं मिला जो हम चाहते थे। पता है उसका वजह क्या है? रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन। जब हम बड़ी मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत में बहुत फ्रिक्शन होता है। ज़िंदगी कुछ दे रही है, आप ज़िंदगी से कुछ छीन रहे हैं। देना और छीनने के बीच में एक रेजिस्टेंस चलता है, एक तरह का फ्रिक्शन चलता है। जैसे आप कोई मशीन हो, उसके अंदर में फ्रिक्शन होता रहता है तो मशीन ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। उसको कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स लगाते हैं, तेल डालते हैं मशीनों में। ये तेल किस चीज़ से आता है लाइफ में? ये आता है ताओ से। जब भी कोई भी काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके माइंड के ज़रिए आपने उस काम का रिजल्ट पाने की कोशिश की, आपका ताओ नहीं काम कर पाएगा पूरी तरह से। वैसे काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपके माइंड में उस काम का रिजल्ट का थॉट आया, तो जो आपका हिडन ताकत है, जो आपके अंदर में ताओ है, जो आपका डिवाइन फ्रैगमेंट है, वो पूरी तरह से आपको हेल्प नहीं कर पाता। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक्शन एक्शन एक्शन, रिजल्ट जो आए देखा जाएगा, एक्शन। इसलिए कहते हैं निष्काम कर्म। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम निष्काम कर्म को भी अपना एक रिजल्ट बनाते हैं। हमको लगता है कि ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ तो क्या मेरा काम निष्काम वाला है? ना, हम थॉट्स के जरिए कोई ऐसा एक्शन नहीं कर सकते जो निष्काम हो, इसकी रिजल्ट की हमको चिंता ना हो। केवल एक ही जरिया है, और वो है उस समय का एक्शन के अंदर में डूब पाना। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कितने गहरे से डूब सकता हूँ? अगर मेरे मन में विचार ये है कि कौन से ऐसे सेंटेंस बोल दूँ, कौन सी ऐसी बात बोल दूँ कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, या मान लो मैं पेंटर हूँ और मैं पेंटिंग की कलर मेरी अपनी इमेजिनेशन की छोड़ करके मैं ये सोचना शुरू कर दूँ कि दुनिया में कौन सा पेंटिंग फेमस होगा, तो फिर ताओ काम नहीं कर पाती।
ताओ एकदम अननोन तरीके से काम करती है, लेकिन उसके लिए हमको और आपको फ्री होना होता है। एक्शन तो करना है, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं करना है, एक्शन तो करना है, लेकिन उसके लिए हमको रिजल्ट की चिंता छोड़ देनी है और ढेरों अटेम्प्ट्स करते रहने हैं। उसी ढेरों अटेम्प्ट्स में ताओ काम कर पाती है, फ्रीली काम कर पाती है, वही हिडन एनर्जी बाहर निकल के आ पाती है और आप सोच भी नहीं पाते कि आपने 10 एक्टिविटी की थी उसमें से एक में बहुत खूबसूरत रिजल्ट आ गया और एक्सीडेंटली वो रिजल्ट फेमस हो गया, या शायद फेमस न भी हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप में वो मास्टरपीस बन जाती है। देखिए, जब हम किसी को सिखाने की, किसी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? लेक्चर्स, बड़े बड़े लेक्चर्स या कोई और एक तरीका है जिसमें आप एक शब्द न बोलें, कुछ बोले ही नहीं, कुछ हिंट ना करें, कुछ इंस्ट्रक्शन ना दें, फिर भी आप सिखा ले जाते हैं, और वो है सेल्फ एग्जाम्पल। अगर मैं अपने बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, वो बोलने से ज़्यादा ताकतवर क्या है? सॉफ्ट तरीका, खुद करूँ। कहानी तो आपने सुनी होगी गांधी जी की, या किसी की भी कहानी हो कि एक बच्चा आया उसको बोलने के लिए, उसकी माँ ने कहा कि इस बच्चे को बोल दीजिए कि चीनी कम खाए, बहुत चीनी खाता है। तो गांधी जी ने कहा पहले मैं तो कम कर लूँ। तो जो आदमी इस चीज़ की ताकत को नहीं समझता कि किसी को बताना, किसी को पढ़ाना, देखिए हम उसमें भी ताकत यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप किसी भी तरह के काम में हैं, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने आप को उनके ऊपर हेल्प करके, उनको सिखा करके उनसे और काम कराना चाहते हैं, तो उसमें कैसे होगा? उसका सबसे पावरफुल तरीका क्या है? एग्जाम्पल। आप खुद करके उनको दिखाइए। बहुत मुश्किल है एक्शन विदाउट अटैचमेंट की जो महत्ता है, हमारे अंदर ताकत का सोर्स है, लेकिन उस ताकत के सोर्स के लिए जो सबसे बड़ी प्री कंडीशन है वो इस इमोशंस की, हम लोग ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स में बताते हैं ना आपको, आई सेंटर होता है जो समझता है चीज़ों को, ई सेंटर होता है जिसका काम है चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, महसूस करना, फील करना, लेकिन वो बच्चे की तरह है। और उसके बाद आता है हमारा एस सेंटर, सेंसुओ वाइटैलिटी सेंटर, और वो सेंटर तो 2400 घंटे एनिमल की तरह काम करता है, और ये सारे के सारे सेंटर्स मिलकर के कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस करने की कोशिश में वो बेचारे अंदर के हिडन डिवाइन फ्रैगमेंट को, ताओ को बाहर आने से रोकते हैं। एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आप इमेजिन करके नहीं बना सकते, आप केवल डूब के बना सकते हैं। आपके काम का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा, अच्छे काम का बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, लेकिन उस अच्छे काम का रिजल्ट आता कहाँ से? चाहने से या समझने से? ताओ एक ऐसी चीज़ है जो एक ही तरीके से समझ में आती है, और वो है चुप रहकर और खूब क्यूरियस होकर। बोलना हार्ड है, चुप रहना सॉफ्ट है। बताना हार्ड है, करना सॉफ्ट है। मांगना हार्ड है, देना सॉफ्ट है। जीना हार्ड है, अपने आप को डिसॉल्व कर देना, अपने आप को सेल्फ में डिसॉल्व हो जाना, ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट और हार्ड के नेचर को समझना होगा। इसी ब्रेन का पार्ट है सॉफ्ट। इंटेलिजेंस मतलब क्यूरियोसिटी और समझने की जो शक्ति है वो सॉफ्ट है। किसी चीज़ को टच करके, उसको महसूस करके, उसको जान करके, उसको पकड़ करके चीज़ों को समझना हार्ड है। इस थॉट्स की ताकत कई गुना हो जाती है जब आप सटल वर्ल्ड्स को समझना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है, जो फिजिकली दिखाई देती है, इसके पीछे के प्रिंसिपल्स बहुत सॉफ्ट हैं। उसको सटल प्रिंसिपल्स कहा गया है। जब आप सो करके सपने की दुनिया में जाते हैं, वो सपने की दुनिया हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर बहुत असर डालती है। इनफैक्ट वो फाउंडेशन है, ये तो बाद की बनी हुई बिल्डिंग है। इसके पीछे के जो पिलर्स हैं वो है मॉलिकुलर वर्ल्ड, और उसके भी पीछे का पिलर है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, और इन सब के पीछे सबसे सॉफ्टेस्ट और सबसे ताकतवर है ताओ। जब तक हम उसको जानने के लिए काम नहीं होंगे, जब तक हम उसको रिसीव करने के लिए शांत नहीं होंगे, तब तक हम जो कुछ भी महसूस करेंगे वो अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा। जो रियल सीक्रेट है हमारे अंदर में वो चुपचाप काम करती है। जो रियल सीक्रेट है हमारे अंदर में वो कभी भी अपने आप को उजागर नहीं करना चाहती, और अगर हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बोलना कम करना होगा, सुनना ज़्यादा, देखना ज़्यादा, दिखाना कम, लेना कम, देना ज़्यादा,
क्योंकि इस दुनिया से हम जो कुछ भी लेंगे वो सब ग्रॉस है, वो सब हार्श है, वो सब उधार है, वो सब पेन है और मिजरी है। कितनी भी खूबसूरत शरीर हो हमारी, बहुत हेल्दी, बहुत ताकतवर, अल्टीमेटली ये फिजिकल हड्डी की बनी हुई है, मांस की बनी हुई है, नर्व्स की और खून की बनी है, और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और जाते समय पेन देती हैं। बुद्ध और लाओत्सु दोनों कहते हैं जितने आंसू हमने बहाए हैं इस दुनिया में अपने कई जन्मों में, उसके कंपैरिजन में समुंदर भी एक बूंद लगेगा। बहुत आंसू बहाए हैं हमने बहुत जन्मों में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस हार्ड को, इस फिज़िकल बॉडी को, इस फिज़िकल वर्ल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय सॉफ्ट को। इसलिए पत्थर के बजाय पानी चूज़ करिए, मेटल के बजाय बिजली चूज़ करिए, बोलने के बजाय साइलेंस चूज़ करिए, दिखाने के बजाय देखना चूज़ करिए। जब आप इस तरफ आएंगे, देखना, सुनना और बाकी सब चीज़ें बाद में उनको टाल देंगे, तब जब आपके शब्द निकलते हैं वो सबसे ताकतवर होते हैं। देखा है, भगवान को कुछ बोलने और दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये एग्जिस्टेंस उनके बिना दिखे, बिना सुनाई दिए एग्जिस्ट कर रहा है और चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है। सारे नियम और कानून भगवान को आकर के एक एक मैनुअल में एक एक बटन दबाकर काम नहीं करना पड़ता। उनकी एब्सेंस में ये सब चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से चलती हैं। जब तक हम अपने अंदर की एब्सेंस को, स्पेस को, साइलेंस को जगह नहीं देंगे होने का, तब तक हमारे अंदर की जो सीक्रेट हिडन पावर है बाहर नहीं आ पाएगी।